वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द वॉरियर्स दोस्तों आ गया हूँ आप सबके सामने लेकर मॉकड्रिल uh, uh, ये मॉकड्रिल फोर्टी नाइन है ओके थैंक यू वेरी मच आई कन्वेट योर विशेष थ्रू नीरज सर ठाकुर सरिता सिंह जी ओके थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू जो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए आप सबको वेरी थैंक यू आइए शुरू करते हैं आज की मॉक ड्रिल जो कि बेस्ड है हमेशा की तरह पूरे पैटर्न पे आपके टी जी टी पी जी टी पैटर्न पे और नाइनटी परसेंट क्वेश्चन से आएंगे यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट अनडाउटेडली फर्स्ट क्वेश्चन गुड इवनिंग टू एवरीबडी जूही सिंह जी सुमन सोनू सुरभि वर्मा लाइफ लिव अभय संदीप कुमार जी नंदिनी पाल सभी को अ वेरी गुड इवनिंग कंप्लीट द प्रोव पहला क्वेश्चन यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी इजी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट ओवर हियर द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी क्रूशियल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी क्रूशियल टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नॉट द क्वेश्चन विच आर वेरी सुदिंग टू यू सूदिंग क्वेश्चन पे मत जाइए इतना बहुत ज्यादा आरामदेह क्वेश्चन पे मत जाइए उन क्वेश्चन पे जाइए जो एग्जाम के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब और जैसा कि आ रहा है आप लोगों का यहां पे बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ओके यू हैव योर केक एंड ईट इट टू यू हैव योर केक एंड ईट इट टू ध्यान रखिएगा प्रोवर्ब को मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोवर्ब्स पूछी जाती हैं ध्यान में रखना है जिन लोगों ने भी यहां पर बी रिस्पोंड किया है केवल वही सही है और ये ध्यान रखिए अगर आप इस इन क्वेश्चंस को रिस्पोंड नहीं कर पा रहे हैं इट मींस आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है कहीं से भी आप तैयार कर रहे हैं कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं हो रही है प्रोवर्ब्स पूछी जाएंगी फोबिया पूछा जाएगा फॉरन एक्सप्रेशन पूछे जाएंगे ये सारी चीजें पूछी ही पूछी जाती हैं बार बार मैं रोज आके कह रहा हूं पता नहीं किसके इंप्रेशन में आप लोग हैं मुझे समझ में नहीं आता ज्यादातर लोग गलत करते हैं बाद में सही करते हैं अपना बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखिए जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है आउट ऑफ ईगो नहीं सभी जानते हैं मैंने टॉप किया लेकिन आपको याद दिलाना पड़ता है कि यकीन कीजिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे लेकिन आपकी आंख नहीं खुलती रोज गलत होते हैं क्वेश्चन प्रोवर्ब के क्वेश्चन अब गलत होने चाहिए क्वेश्चन नंबर टू द फाउंडेशन एन एक्स्ट्रा विज प्ले मैंने इसके पहले भी इसमें बताया है कि इसका पूरा नाम क्या है रिटर्न बाई जॉन गर्दी एन सिक्सटी सेवन टू नाइनटीन थर्टी थ्री ओपन इन लंडन एट द डैश इन लेट जून ऑफ नाइनटीन सेवनटीन नीरज का है शायद क्वेश्चन नंबर टू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर टू का जवाब दीजिए डेफिनेटली कल्पना शर्मा जी का जवाब आया है। यहां पे जो कि बिल्कुल तो सच्चाई के नजदीक है क्वेश्चन नंबर टू का यहां पर हो जाएगा रॉयल्टी थिएटर ए आंसर हो जाएगा रॉयल्टी थिएटर ध्यान में रखिएगा द फाउंडेशन एंड एक्स्ट्राविजन प्ले रिटर्न बाई ऑफ जॉन गर्दी ओपन इन लंडन एट द रॉयल्टी थिएटर इन लेट जून ऑफ 1917 क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट्स केम टू डैश एंड मेट अ लिटिल गर्ल हु वुड सर्व एज द मॉडल फॉर द लिटिल गर्ल इन वी आर सेवन कहां पर आए व्हाट्स पर जहां उनकी मुलाकात हुई एक छोटी बच्ची से जो कि वी आर सेवन का थीम बनी क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड क्वेश्चन को रिस्पोंड कीजिए इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर थ्री रिस्पॉन्ड इमीडिएटली डेफिनेटली यहां पर सी जवाब जिन लोगों का आ रहा है केवल वही लोग सही होंगे सी इज द राइट आंसर गुडरिच कैसल क्वेश्चन नंबर थ्री गुडरिच कैसल इज द राइट आंसर वो गुडरिच कैसल आए और एक छोटी सी बच्ची से मिले जो उनके वी आर सेवन की थीम बनी बाद में तो गुडरिच कैसल इज द राइट आंसर बोजोर फॉरेन एक्सप्रेशन है इसका क्या अर्थ होता है बो मैम वो पढ़ा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर को रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर फोर की अगर बात करें अगर हम तो यहां पे फाइन डे से मतलब है क्वेश्चन नंबर फोर का सी आंसर होगा वो जोर का मतलब होगा फाइन डे जो एक अच्छे दिन से मतलब है यहां पर फाइन डे क्वेश्चन नंबर फाइव द सन आल्सो राइज इज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन अपूर नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स बाई स्क्रिपनर्स लेटर जोनाथन के पब्लिश द नोवेल इन लंडन अंडर द टाइटल सन आल्सो राइजेस पब्लिश हुई कब यूनाइटेड स्टेट्स में अक्टूबर 1926 में स्क्रिबनर्स के द्वारा एक साल बाद जोनाथन केप ने इसे पब्लिश करवाया ओके, okay, इस नॉवेल को लंदन में किस टाइटल से पब्लिश करवाया फाइव का जवाब दीजिए फिफ्थ क्वेश्चन का जवाब दीजिए बिल्कुल यहां पर सी आंसर सही है शंभवी मिश्रा का सी जवाब आया है सुरभि वर्मा का सही जवाब आया है ओके okay. जिन लोगों ने भी यहां सी जवाब दिया है केवल वही सही होंगे सी इज द राइट आंसर ओके सी इज द राइट आंसर फिएस्टा पीजीटी के कुछ क्वेश्चंस को शामिल करने का बहुत ज्यादा दबाव है पीजीटी वाले सब फोन करते हैं और उनका यह लगातार दबाव है कि सर आप बिल्कुल क्वेश्चन पीजीटी के और नहीं शामिल करते तो हमारी मजबूरी है कुछ क्वेश्चन तो पीजीटी के रहेंगे चाहे नंबर आप क्वेश्चंस बढ़ा दें बिल्कुल जिन लोगों ने भी सही जवाब दिया है वो सबके सब सही है चाहे नाइमा परवीन हो ब्रजेश कुमार सिंह और ध्रुव सिंह ओके निधि वाशनी लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेलियोफोबिया हेलियोफोबिया और देखिए कुछ चीजें हैं जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जैसे जो रिकॉर्डेड देखते हैं अभी इस ड्रिल को जो रिकॉर्डेड देखेंगे कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ाया कीजिए देखिए लाइव में और रिकॉर्डेड जब आप देखेंगे फर्क होता है आप थोड़ी स्पीड तेज कर लिया कीजिए वन पॉइंट फाइव एक्सपे कर लिया कीजिए और ये सुविधा ऐप पर भी है अजीत जी को कॉल कर लीजिए उनसे पूछ लीजिए जो चीज रिकॉर्डेड में अगर आप देख रहे रिस्पॉन्ड इमीडिएटली सिक्स का यहां पर बी आंसर जिन लोगों ने भी दिया है वो सही है सन हेलियोफोबिया राइट ट्रैक पर रहेंगे तभी सफलता मिलेगी नहीं मेहनत करने वाले आपसे चार गुना मेहनत करने वाले पड़े हुए हैं उनको कह दीजिए ये ये करो और नौ, नौकरी लग जाएगी वो पानी में खड़े रहेंगे दस दिन अगर मैं कह दूं किसी को कि दस दिन पानी में खड़े रहिए नौकरी लग जाएगी नौकरी के लिए वो खड़े रहेंगे मेहनत करने वालों की कमी नहीं है राइट ट्रैक पर मेहनत करने वालों की कमी है ये ध्यान में रखिए मॉकड्रिल की प्लेलिस्ट है मॉकड्रिल की प्लेलिस्ट अलग से डालने की जरूरत नहीं है अलग से बनी हुई है मॉकड्रिल की प्ले लिस्ट ऐप पर भी बनी हुई है मॉक की प्लेलिस्ट, चाहे वो हटा दिए थोड़ा सा किया है, उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं आप सारे क्वेश्चन रखिए जो यूट्यूब मॉकड्रिल है उसके यूट्यूब वालों को स्टोरी क्वालिटी हुन द शॉप विद मिस्टर कैसल क्वेश्चन नंबर सेवन जैसा कि आपका जवाब आ रहा है सेवन का बी जवाब आ रहा है सेवन का बी होगा ओके okay. अगर सेवन का बी है तो भैया सही है लेकिन हमारी निगाह में तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सी होगा ओके okay? मुझे लगता है सी होगा लेकिन सभी को बी लग रहा है तो मुझे भी डाउट हो जाता है लेकिन कुछ लोगों को सी भी लग रहा है इन द स्टोरी क्वालिटी शॉप विद मिस्टर गैसलॉ ऐप का नाम है द वॉरियर्स वॉरियर्स प्ले स्टोर पर जाएंगे चौथे पांचवें नंबर पर साई जी की फोटो लगी होती है हमारे चैनल में भी यूट्यूब चैनल में भी साईं की फोटो लगी हुई है द वॉरियर्स में भी साईं की फोटो लगी हुई है उसके अलावा भी आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं हम आपको उसका लिंक भेज देंगे आप लोग गूगल कर लिया कीजिए जब तक मैं ये सब चीज करूं यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा जिन लोगों ने भी बी जवाब दिया सब के सब गलत है पढ़ाई कीजिए सही से राइट ट्रैक पे पढ़ाई नहीं है एल्डर ब्रदर यहाँ आंसर होगा सेवन का बी आंसर ज्यादातर लोगों ने दिया है और गलत दिया है मैं यहाँ बिल्कुल आपको सूद करने नहीं आया हूं आपका सोलूशन निकालने आया हूं एग्जाम में आप मुझे याद करें ये हमारा उद्देश्य है हम आपको आसान क्वेश्चन नहीं देंगे कि जो आपको यहां पर हां अरे वाह मुझे तैयारी हो गई आसान क्वेश्चन हमने करवा दिया सर ने करवा दिया तो अच्छे ही होंगे नहीं एक्टेड uh, किसने ऐसा कहा आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा गया है शेक्सपियर के प्ले के बारे में कहा है एज बुक्स टू बी रेड बुक्स टू बी रेड रादर देन एज प्लेस टू बी एक्टेड किताब के रूप में पढ़े जाने योग्य हैं प्लेस के रूप में परफॉर्म किए जाने कम योग्य हैं ज्यादातर मतलब वो उन्होंने कंपैरिजन किया कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर एट का जवाब दीजिए आज आ, पेड़ में भी इतनी गलतियां लोगों ने की हैं और यहां पर भी गलतियां कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर एट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर एट में जिन लोगों का डी आंसर सही है वो बिल्कुल डी जिन लोगों ने ऑप्शन ऑप्ट किया है बिल्कुल वो सही है ग्रुप ऑफ हाउल्स इज कॉल्ड उल्लुओं का समूह क्या कहा जाता है ग्रुप ऑफ हाउल्स इज कॉल्ड बताए क्वेश्चन नंबर नाइन का जवाब दें और आई नीड क्विक रिस्पॉन्स अ ग्रुप ऑफ हाउल्स इज कॉल्ड ग्रुप के ये क्वेश्चन पूछे जाने ही जाने हैं यू कॉन मिस दीज क्वेश्चन आप शुतुरमुर्ग नहीं बन सकते आप अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी उसके बिना काम नहीं चलेगा क्वेश्चन नंबर इन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जैसा कि महजबीन फातिमा का जवाब आया है गरिमा अग्रवाल का जवाब आया है ज्योति गुप्ता ने जवाब दिया है पूजा मोनू ने जवाब दिया ओके और बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया आर्यन जी का जवाब आया है वर्षा सिंह का तो यहां पर पार्लियामेंट हो जाएगा ग्रुप ऑफ हाउस उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं जब एक समूह में बैठे हो तो पार्लियामेंट ऑफ हाउस बोला जाएगा क्या बोला जाएगा पार्लियामेंट ऑफ हाउस क्वेश्चन नंबर टेन In the sun also rises, having flittered through several sexual liaisons, Lady Brett Ashley finally chooses. इस जो नोवेल है द सन आल्सो राइजेस द सन आल्सो राइजेस इसमें क्या होता है कई जगहों पर वो रैंडम मतलब शारीरिक संबंध बनाने के बाद कई लोगों से लेडी ब्रेट एस्टले फाइनली किसे चूज करती है फाइनली वो किस पे जाके ठहरती है किसे चूज करती है फाइनली कई लोगों के साथ शारीरिक रूप से इन्वॉल्व होने के बाद क्वेश्चन नंबर टेन का जवाब दीजिए ज्योति गुप्ता का यह जवाब आया है लक्ष्मी त्रिपाठी जी का यह जवाब आया है ओके रिटर्न टू नेचर वेरी गुड इवनिंग ओके टेन का तबस्सुम साहब जी का यह जवाब आया है बिल्कुल यहां पर टेन का ए जवाब जो लोगों ने भी दिया है वो बिल्कुल सही है ओके पेड्रो यंग बुल फाइटर ए जवाब जिसका भी आया महजिबीन फातिमा का भी ये जवाब आया है बिल्कुल और सही क्वेश्चन नंबर इलेवन आपकी स्क्रीन पर है फ्लोरा फिंचिंग इज ए फिक्शनल कैरेक्टर इन द नॉवेल फ्लोरा फिंचिंग नाम का फिक्शनल कैरेक्टर किस नॉवेल में आता है आप देखें और जवाब दें ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है दैन एंड दी बाई हेमिंग वे द मेयर ऑफ कैस्टब्रिज बाई हार्डी द साउंड एंड द फ्यूरी विलियम फॉकनर एंड लिटिल डोरिट बाई चार्ल्स टिकन्स क्वेश्चन नंबर इलेवन का जवाब देना है आपको ये फिक्शनल कैरेक्टर फ्लोरा फ्रेंचिंग नाम का कहां आता है किस नोवेल में आता है किसके नॉवेल में आता है बताए बिल्कुल यहां पर जिन लोगों का भी यहां पे सुशील कुमार का डी आंसर आया है अपार्ट फ्रॉम सुशील कुमार लेट मी चेक किसने भी डी आंसर किया है क्यूट ब्रदर ने चंद्रलता राय ने अक्की भरद्वाज संदीप कुमार माल, मालती बिन जी आपका आंसर तो सही नहीं है लेकिन क्वेश्चन इलेवन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्वेश्चन नंबर इलेवन में दोस्तों डी आंसर होगा लिटिल डोरेट बाय चार्ल्स डिकेंस में ये फिक्शनल कैरेक्टर आता है आप ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन का जिन लोगों ने भी डी रिस्पॉन्ड किया है केवल कि वही सही है This question, dekhiye. most important question I would say, most important question. The poem concerns to brothers and their sister. Simply call the lady lost in a journey through the woods. The lady becomes fatigued, thak jati hai, and brothers wander off in search of sustenance. Which poem we are talking about? कहानी है दो भाइयों की एक बहन की उस बहन को सिर्फ लेडी कहके संबोधित किया गया है एक यात्रा में खो जाते हैं एक जंगल में ओके वो जो महिला है वो थक जाती है ब्रदर वो जो भाई लोग हैं वो मतलब सस्टेनेंस के लिए मतलब खाने पीने के लिए इधर उधर खोज में निकल जाते हैं कुछ खाने पीने की चीजों के लिए और क्या होता है ये किसकी थीम है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जिन लोगों ने भी यहाँ सी जवाब दे है यास्मीन जी का आया अनुराग अवस्थी शैलेश कुमार ज्योति गुप्ता वेरी गुड और नंदिनी पाल वंशलोचन बैरागी वेरी गुड ओके सी इज द राइट ऑप्शन ओके ध्यान में रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन The poem begins with a brief dedication to Henry Worsley, third Earl of Southampton, in which the poet describes the poem as the first year of my invention. किसको कहते हैं first year of my invention, Shakespeare? किस poem को कहते हैं? और ये शुरू होती है एक संचित dedication के साथ किसको संचित dedication दिया जाता है Henry Worsley को दिया जाता है जो कि Thurler of Southampton है, okay? ये किस poem की बात हो रही है? Question number thirteen. I need a quick response. डेफिनेटली श्रीपाल प्रजापति जी क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जवाब चाहिए मुझे थर्टीन का डी जवाब आ गया आप सब लोगों का कुमारी वंदना राकेश यादव ओके एक्सटेंडेबल थिंकिंग ओके वेरी गुड वीनस एंड एडोनिस की हम बात कर रहे हैं वीनस एंड एडोनिस दी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज अंडर स्टडी फिजिबिलिटी का एंटनिम बताना है बताएं लाइक इट और नॉट सिर्फ लिटरेचर के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे ऐसे एकाएक लिटरेचर के बीच में आपसे वो कैप पूछ ली जाएगी वही माहौल वही परिस्थितियां हम आपको प्रोवाइड करेंगे फिजिबिलिटी का एंटेनिम बताइए इसीलिए मैंने इसे मॉकडल नाम दिया फिफ्टीन नाइनटी थ्री लाइन स्टैंड ओके नरेटिव पोम ओके मेजबीन जी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ड इमीडिएटली फिजिबिलिटी का एंटेनिम बताना है फिजिबिलिटी का एंटेनिम क्या होगा जो चीज बहुत फिजिबल हो बहुत प्रैक्टिकल हो बहुत व्यवहारिक हो कार्य में परिणित करने योग्य हो उसे फिजिबल बोलेंगे फिजिबल से बना है फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी की अगर बात करें ओके तो फिजिबिलिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यहां पर जिन लोगों ने बी रिस्पॉन्ड किया है केवल वही सही होंगे ओके बी रिस्पॉन्ड इम्प्रैक्टिबिलिटी फिजिबिलिटी का एंटनिम होगा इम्प्रैक्टिबिलिटी अव्यवहारिकता मतलब व्यवहारिक रूप से जिसे करना असंभव हो या आ, संभव ना हो उसे इम्प्रैक्टिबिलिटी फिजिबिलिटी मतलब कार्य रूप में परिणित करने योग्य यहां देख भी लेते हैं द क्वालिटी ऑफ बींग पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड ओके okay? जो चीज पॉसिबल हो और अचीव करने की संभावना हो और फिजिबिल फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रपोज न्यू एयरपोर्ट कि क्या पॉसिबल है यहां पे एयरपोर्ट बनवाना उसकी जो स्टडी आई डाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान कि मतलब ये प्लान बहुत प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है फिजिबल नहीं लग रहा है सिमिनिम क्या होगा अगर प्रैक्टिबिलिटी विजिबिलिटी अचीवेबिलिटी अटेनेबिलिटी रीजनेबलनेस एंटनिम हो जाएगा इम पॉसिबल इम प्रैक्टिबल इनफीजिबल नॉन वायबल अनअटेनेबल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सीइंग द रूम इन अ डिसऑर्डरली स्टेट रवि कंक्लूडेड दैट सम वन हैड रैंस एक्ट द प्लेस रैंस एक्ट बताइए रैंस का रैंस का सिनेम बताना है आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नीरज सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का जवाब दें आप लोग फिफ्टीन का जिन भी लोगों ने सी जवाब दिया है केवल वही सही होंगे उनके अलावा जो लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं मन लगा के वो सही नहीं होंगे सर्स्ट बस यही फर्क होता है कि रैन सैक जब आप करते हैं किसी चीज को बहुत ही वायलेंट तरीके से सर्च करते हैं सामान को इधर फेंकते हुए फिल्म में देखा होगा ना कि मान लीजिए किसी के घर में कोई चीज छिपा हुआ है तो वो सामान को इधर उधर फेंकते हुए सर्च कर रहा है तो रैन सैक किया जा रहा है दे आर लुकिंग फॉर समथिंग बट इन अ वेरी वायलेंट वे दे आर वायलेंट थिंग्स नॉट पर्सन दे आर वायलेंट थिंग्स सर्च

एंटेनिम कॉन्वर्सेशन प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन सैलवेस रैंस है और कई सिन्निम होंगे लेकिन एक सिन्निम सर्च भी होता है जो कि टफ है उसको ध्यान में रखिएगा अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंस एस एंजॉयमेंट जो इंद्रिय सुखों में जगह ज्यादा जिसे जो पसंद हो इंद्रिय सुख सेंसेस का सुख आंखों से अच्छी चीज देखना अच्छा भोजन अच्छी चीजें सुनना मतलब सेंसुअस एंजॉय डिफरेंस बिटवीन सेंसुअस सेंसुअल आप गूगल कर लीजिएगा सेंसुअल इज समथिंग वेरी नेगेटिव सेंसुअस इज नॉट दैट मच नेगेटिव अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन

तब यहां लष्टी हो जाता लेकिन यहां पर ए सही होगा जिन लोगों ने ए जवाब दिया है केवल वही सही है और कोई भी सही नहीं है गूगल कीजिएगा लिटमस टेस्ट है यहां पर आपका कोई इधर की बात ना उधर की बात सीधे टेस्ट हो रहा है एग्जाम की परिस्थितियों से आपको अवगत कराया जा रहा है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड बैक टू द ड्राइंग बोर्ड क्या होगा ईडीएम इसम का मतलब क्या होगा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड question number 17 question number 17 punam Vashneji, what a coincidence okay uh, i wish uh, your husband very happy birthday okay convey my regards to him ओके कन्वे ऑल रिगार्ड्स टू हिम फ्रॉम माय साइड फ्रॉम मैम साइड ओके वेरी हैप्पी बर्थडे क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का ए आंसर होगा स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट ओके जो एक फेल हो जाने के बाद फिर से बिल्कुल शुरू से शुरुआत करना स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट ए ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया है बबीता कुमारी ठाकुर सरिता सिंह अंकिता खरे सुनील कुमार लर्न लर्न विद शालिमा दर्श शर्मा इन लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है ये बस इसमें एबीसीडी में लिखना भूल गया आप देखिए इसमें कहां पर गड़बड़ी है बताइए हमें पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर एटीन को पढ़िए ध्यान से और किस पार्ट में एरर है बताइए ब्लू गेमिंग रिस्पॉन्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विकास शर्मा जी मुझे 18 का आंसर चाहिए 17 का तो चलिए हमने मान लिया आपने सही बताया कुमारी वंदना क्वेश्चन हर डॉक्टर वाज एनॉयड बिकॉज शी इग्नोर हर हेल्थ इवन आफ्टर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड मास्टरिंग इंग्लिश लिटरेचर इग्नोर्ड बता रहे हैं ओके okay, जो लोग भी यहाँ इग्नोर्ड बता रहे आई थिंक दे आर अ वेरी नियर टू डिटेक्टिंग दरर इग्नोरड ओके वॉज क्यों नहीं आएगा वॉज आएगा इग्नोर नहीं आएगा चूंकि आप देखिए पूरा पास्ट में कंस्ट्रक्शन है यहां इग्नोर का कोई सवाल ही इग्नोरड आएगा ओके okay, बहुत आसान है ओके okay. इग्नोर विल बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ इग्नोर श्रीपाल प्रजापति जी का जवाब आया है वेरी गुड बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है यहां है देखिए इग्नोर्ड हो जाएगा ये इसको देख लीजिए इग्नोर के बदले इग्नोर्ड का प्रयोग होगा क्योंकि इस वाक्य में पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र है जिनमें कारण तथा परिणाम का संबंध है पास्ट की घटनाओं का जिक्र है तो जाहिर सी बात है पास्ट में ही होंगी ना दैसनेट an पिलग्रीम एक एंथोलॉजी है कलेक्शन है बीस पोम्स का कौन पैसनेट दैसनेट पिलग्रिम जो कि 1599 में आती है इसमें यह पूछा गया है कि ट्वेंटी पोम्स एक्सट्रैक्टेड थ्री पोम्स, एक ही प्ले से तीन पोम को लिया गया है इनकी बीस कविताओं में ये पैसनेट पिलग्रिम में जो बीस कविताएं हैं उसमें एक ही प्ले से तीन कविताओं को लिया गया है दैट्स वंडरफुल क्वेश्चन आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी क्रूशियल क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर नाइनटीन When it comes to question number 19, those who are responding C, they are absolutely correct. The Night Pilgrim 1599 is an anthology of 20 poems collected and published by William Jagard. Uh, you have to keep this in mind that this is was uh, collected and published by William Jagard that were attributed to William Shakespeare. Generally,

Later to be published in the uh, 1609 collection of uh, Shakespeare's sonnets and three poems extracted from the play Love's Labour's Lost. Okay. Question number 20. She said that she really liked that furniture. Direct me indirect me Question number 20. क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली तंदुल जैन राजू पाल श्रीपाल प्रजापति लर्नर शालिनी आप लोग जवाब दीजिए हमारे अगले प्रश्न का बीसवें प्रश्न का जवाब चाहिए हमें 20 में का बी जवाब दिया है प्रीति कुशवाहा ने संध्या पांडे ने एक्सटेंडेबल थिंकिंग ने यास्मीन जी ने दर्शित शर्मा अनुराग अवस्थी तृप्ति सिंह सुनील भारती सोनाली तिवारी ओके यहां पर ट्वेंटी का जिन लोगों ने भी बी रिस्पॉन्ड किया है वो बिल्कुल सही है आई रियली लाइक दिस फॉर्नीचर शी सेट ऐसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड बुक्स आर ऑलरेडी रिकमेंडेड टू यू पहले से ही बुक्स बता दी गई हैं कुछ नहीं करना है बहुत आसान है अगर आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं अगर आप राइट ट्रैक पे नहीं है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही तीन महीने पढ़ रहे हैं तब तो सब कुछ बहुत कठिन है यही टीजीटी आपसे नहीं निकाले निकलेगा ट्रैक सही होना जरूरी है मार्गदर्शन जरूरी है और शिक्षक की सबसे महत्व भूमिका भी यही है एलेक्जेंडर एक्स्पेक्टेड टू कॉन कर दर्ल्ड चेंज इन टू पैसू बिल्कुल सरिता सिंह जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन यू हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अच्छा मुझे टहल टहल के पढ़ाना यार अच्छा नहीं लगता कई बार सोचता हूं मैं भी टहल टहल के पढ़ाऊं और थोड़ा सा शर्ट की जो स्लीप्स हैं उन्हें ऊपर उठा उठा के दिखाऊं लेकिन ये सब मेरे से होता नहीं <laughs> ड्रामा नहीं होता नौटंकी नहीं होती तो ट्वेंटी वन का क्या जवाब आ रहा है आप लोगों का 21 का जवाब आ रहा है सी ओके okay. जिन लोगों ने भी यहां सी जवाब दिया है केवल वही सही है इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड कॉन्कर कर द वर्ड अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड कॉन्कर द वर्ल्ड यहां पर जिन लोगों ने सी जवाब दिया है केवल वही सही है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताइए जूरिस प्रोडेंस के लिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है विदुषी भारती जी को बहुत हंसी आ रही है विदुषी भारती जी आपका क्या नाम है विदुषी भारती तो नाम आपका होगा नहीं लेकिन नाम बहुत अच्छा है आपने जो भी जिस नाम से ये अच्छा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वेन इट कम्स टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जिन लोगों ने भी बोला है कि सी आंसर सही होगा केवल वही यहाँ सही होंगे सो सी इज द राइट ऑप्शन ज्योरिस प्रूडेंस जोरिस प्रूडेंस जो फिलोसफी ऑफ लॉ होती है जो कानून का दर्शन होता है उसे ज्योरिस प्रूडेंस कहते हैं यहां पर देखिए जोरिस प्रूडेंस ज्यूरिस प्रूडेंस द थियरी और फिलोसफी ऑफ लॉ जो सिद्धांत है या जो दर्शन है कानून का उसे जूरिस कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द टर्म द थिएटर ऑफ द या याड दोनों सही हैं वॉज पब्लिस्ड सॉरी वॉज फिलोसफिकली बेस्ड ऑन जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड है वो दार्शनिक रूप पे किस पर आधारित है द टर्म द थिएटर ऑफ द ऑब्जर्ड वॉज फिलोसॉफिकली बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री थैंक यू पिंकी जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का जवाब दीजिए बिल्कुल ट्वेंटी थ्री का यहां जिन लोगों ने भी ये जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है ओके okay. ये यहां से जो भी ये फिलोसफी हो यहीं से फिलोसफी प्रेरित है थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड की मिथ ऑफ सिसिफस और थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड में क्या होता है जैसे पिंटर के प्लेस को देख लीजिए और बाकी जो लोग हैं इससे रिलेटेड उनके प्लेस को देख लीजिए थिएटर ऑफ ऑबसर्ड बोला ही यही जा, इसलिए जाता कोई मीनिंग ही नहीं निकलती आप पढ़ेंगे अभी ये पिंटर का बर्थडे पार्टी आपको लगेगा कि इसमें क्या कंक्लूजन निकला कोई कंक्लूजन ही आपको नहीं निकलेगा संशय विद्यमान रहेगा तो कहने का मतलब मिथ ऑफ सिसुफस पे बेस्ड है इनकी जो फिलोसफी है वो बेस्ड है है। ओरिजिनली पे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर विलियम वॉट्स ऑन स्टोरी फ्रॉम द। ये अच्छा है। आपको बताना होगा आसान क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबल है मोस्ट इंपोर्टेंट है इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं बता पा रहे राइट ट्रैक यू है ट्वेंटी फोर Question number 24. Definitely, Trojan War. Those who responded uh, C are responding C are absolutely correct. C is the right option. Let's come to the question number 25. Dash is when non human things like animals and objects act human. नॉन ह्यूमन को जब इस तरह वो ह्यूमन की तरह काम करती हैं, एग्जिबिटिंग ट्रेट सच एस स्पीच थॉट्स, कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड समटाइम्स इवन वियरिंग क्लोथ्स एंड स्टैंडिंग अपराइट नॉन ह्यूमन थिंग्स जैसे कि जानवर हो गए चीजें हो गई वो जब ह्यूमन की तरह बिहेव करती हैं उसी तरह बोलती हैं सोचती हैं कॉम्प्लेक्स इमोशंस को व्यक्त करती हैं समटाइम्स कई बार कपड़े भी पहनती हैं ये एनिमल पहनते हैं स्टैंडिंग अपराइट सीधे खड़े भी होते हैं इसे क्या बोलेंगे एनोलॉजी एम्प्लीफिकेशन एंथ्रोपोम ओके पोर्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव बिल्कुल यहां पर एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जहां पर नॉन लिविंग थिंग्स नॉन ह्यूमन थिंग्स पे मानवीय संवेदनाएं मानवीय भावनाएं मानवीय गुणों को अंट्रीब्यूट किया जाता है वहां पर एंथ्रोपोमॉर्फिज्म होता है आपने बिल्कुल सही रिस्पोंड किया है यहां पर सी आंसर जिन लोगों ने भी दिया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों आपसे फिर से निवेदन है कि राइट ट्रैक पर पढ़ाई कीजिए सही रास्ते पर क्या क्या आपके एग्जाम में आता है डेली आपको इस बात का स्मरण होना चाहिए चाहे वो कैब हो ग्रामर हो लिटरेचर हो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हर एक चीज का डेली स्मरण होना, होना चाहिए टाइम टेबल और आपको बिल्कुल प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है प्रैक्टिस करनी है सफलता जरूर मिलेगी ये आज के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन थे फिर कल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन लेके आऊंगा कल की फिफ्टी मॉकड्रिल होगी ओके इस तरह ये मॉक ड्रिल चलती रहेगी पूरा का पूरा सिलेबस आपका मॉक ड्रिल के जरिए कवर किया जाएगा और हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि जो हमारी मॉक ड्रिल है इन्हीं में से 90% परसेंट क्वेश्चन आएंगे ये कोई हाइपरबुलिस्टिक स्टेटमेंट नहीं है आपके सामने आ जाएगा थैंक यू वेरी मच ओके प्रतिभा मिश्रा जी क्यों नाम नहीं लेते बिल्कुल नाम लेते हैं देखिए अभी हमने नाम लिया आपका थैंक यू वेरी मच गुड नाइट